झाबुआ शहर के प्रमुख बस स्टैंड पर काफी पुराना विद्युत पोल पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। नीचे से टूट जाने के कारण यह कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बस स्टैंड पर प्रतिदिन 200 से 250 बसों का आवागमन होता है और लगभग 5000 यात्री सफर करते हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि आए दिन उन्हें भी हादसे को लेकर डर लगा रहता है। बस चालक परिचालक संघ के हाजी लाला पठान और सोनू सैयद ने बताया, इस समस्या को लेकर विद्युत वितरण कंपनी को अवगत कराया गया था। करीब 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसी भी दिन बड़ा हादसा होकर जान माल को नुकसान हो सकता है। विभाग को चाहिए कि शीघ्र ही इस ओर ध्यान दे और जर्जर विद्युत पोल को बदले। झाबुआ से प्रेम सहयोगी की रिपोर्ट। कभी भी हो सकता है हादसा, कभी भी हो सकता है भाई साहब। और ज्यादा यहाँ पे करीब करीब 156 बसें रोज आती है और करीब करीब 8,000-9,000 यात्री रोज आते हैं। वो जहाँ मेडिकल स्टोर निवेदन भी किया, लेकिन वो हमें नियम बता रहे थे नहीं हो रहा है, तो अब हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि मीडिया हमारी सुख दुख के साथ ही, हमेशा मीडिया हमारे काम आती है। खंबे को लेकर आपने आवेदन दिया है जी भाई साहब? ये 7 जुलाई 2018 को उन्होंने अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश मंडल वालों को दिया था, तो उन्होंने लिखा था कि ZPA योजना के अंतर्गत इसको बदला जाएगा और वो इंतजार कर रहे हैं कोई बड़ी दुर्घटना का। वो बोल रहे थे कि लाइन नंबर से बदला जाएगा और ये एक सार्वजनिक बस स्टैंड, हजारों यात्री आते हैं और कोई दुर्घटना हो गई है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वो हमें नियम बता रहे थे कि आप जब कहोगे जब, हम थोड़ी बदलेंगे, ये तो नियम के अंतर्गत बदलाएगा, जो तो सार्वजनिक स्थान है यहाँ तो बदलना ही पड़ेगा। क्या नाम लिखते हैं अपना? सैयद सोनू अली, जिला अध्यक्ष चालक परिचालक संघ। हाजी लाला पठान, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश चालक परिचालक कल्याण संघ, जिला झाबुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।